नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों। मैं आपका प्रिंस हाजिर हूँ लेकर आज हमारा ये एक नया एपिसोड ऑफ ट्रैवलिंग इंडिया। इसमें आज हम जा रहे हैं सहेलियों की बाड़ी, जो ये एक गार्डन है उदयपुर में। आज हम आपको दिखाएंगे, जैसा कि आप व्यू में देख रहे हो, एक ज़बरदस्त नज़ारा ऑफ सहेलियों की बाड़ी उदयपुर। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारी तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है हर बार की तरह, एंट्री हमारी हो चुकी है, कि अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो फ्रेंड्स हमें सब्सक्राइब करिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, सो दैट कि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अगर आप Facebook या Instagram पे देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिए, हर वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहिए, सो दैट कि हमारी ये वीडियो फैल जाए, और आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए, धन्यवाद। अभी आप नोटिस देख रहे हो जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। लिखा है, जो ये बगीचा है संग्राम सिंह महाराज जी ने बनवाया था 1700 समथिंग में, उस सदी में उन्होंने अपने घर की मतलब महारानियों के लिए और साथ में उनकी सहेलियों के लिए बनाया था, इसलिए इसका नाम सहेलियों की बाड़ी पड़ा है। बाकी इस बगीचे की खूबसूरती देखते ही बनती है, औसम नज़ारा, औसम चीज़ है ये, आप देखोगे दिल मतलब इसके ऊपर आ जाएगा, इतनी ज़बरदस्त है। फुहारे आप छोटे देखो, बड़े देखो, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के फ्लावर देखो, ग्रीनरी देखो, ओसम मज़ेदार, हर चीज़ पूरी टेक्निकलिटी के साथ बड़े सही तरीके से सेटल करी हुई है, जिसे देख के मज़ा आ जाता है। ओसम व्यू, सब कुछ मज़ेदार, फाउंटेन के साथ साथ और भी बहुत कुछ आप देखोगे। अभी आप ये देखो, फ्लावर स्पेशली ओसम, बहुत जबरदस्त प्रकार के थे। ये देखिए आप, गुलदस्तों गमलों में ज़बरदस्त हर तरीके के फ्लावर है। इसके अंदर एक और बड़ा फाउंटेन कम क्या कहते हैं, तालाब है, पूल है, आप देखोगे और भी मज़ा आएगा, देखते जाइए और मज़ा आता जाएगा, बिकॉज़ यहाँ पे आप देखोगे ब्यूटीफुल फुल फुल। ये देखिए फाउंटेन कम पूल टाइप है और मज़ेदार है, आप देख ही रहे हो हर जगह अलग अलग पोज। ये हम आप मुझे भी देख सकते हो, सो दैट कि आपको लगे कि हमने, पता चले कि हमने खुद जाकर ये वीडियो बनाई है, ऐसे नहीं कहीं से उठा के डाल दी। तो आप ब्यूटी देखते ही बनती है, आपके सामने ही है, फुहारे फाउंटेन्स, पानी की थोड़ी थोड़ी आवाज़, ओसम। ये सामने जो है ये एक कालांगन कुछ मतलब रूम बने हुए हैं यहाँ पे, ये आप देखो नज़दीक से भी फुहारे। अभी हम बाहर आ गए हैं और फ्लावर देखो अलग अलग प्रकार के, मज़ेदार, ओसम। उदयपुर की ये वन ऑफ द बेस्ट, उदयपुर क्या इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट गार्डन है, तो आप देख ही रहे हो व्यू, ग्रीनरी सब कुछ। ये अलग अलग पोज बना रहे हैं और बहुत सारे पोज बनते ही जा रहे हैं। ये फाउंटेन देखो बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे फाउंटेन बहुत है, ये पुराने टाइम में भी बड़ी अच्छी टेक्निक से के साथ चल रहे थे, फतेह सागर लेक के साथ सीधे ही जुड़े हुए हैं, तो एट दैट टाइम जो टेक्निक होती ठीक है, आज तो ये लेटेस्ट टेक्निक के साथ चल रहे हैं। हर तरीके की आपको चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे, ये भी फाउंट क्या कहते हैं उसको, पूल के अंदर शायद कुछ ग्रीनरी है और भी ग्रीनरी। ओवरऑल मैंने ये इसलिए कहा था, देखते ही बनती है इस गार्डन की खूबसूरती, आप भी देख ही रहे हो, इंजॉयबल है ना, तो इस तरीके से चलता रहेगा। हम तो फिर वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको, आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद, सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए जहाँ पे भी आप देख रहे हो, साथ साथ लाइक और कमेंट भी कर दीजिए, यूट्यूब पे आप नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, सो दैट कि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। अभी हमारी ये वीडियो अंत में आने वाली है, तो मैं आपको बाय बाय भी जल्दी करने वाला हूँ, आप साथ के साथ ये ग्रीनरी का नज़ारा भी देखते जाइए। जब आप जाओगे यही नज़ारा आपको वहाँ पर लाइव भी मिलेगा, ओसम व्यू। अगर आप उदयपुर हो या जाने का प्रोग्राम कर रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर होके आना। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय, जाने का टाइम आ गया है, बाय बाय, लव यू।